हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो भी लिस्टिंग वगैरह होगी, जो भी चीज़ें होंगी, उनको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब ये टॉपिक्स जो होंगे, ये मैंने आपको बताया था कि ये 20-25 साल के UPSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं और उनके जो पेपर्स होते हैं, उनके टॉपिक्स को एनालाइज़ करने के बाद ये मैंने लिस्टिंग पूरी तैयार की है। अगर इन लिस्टिंग को, इन टॉपिक्स को आप तैयार कर ले, और ये बहुत ही बारीकी से मैंने तैयार किया है, अगर इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं, जैसे जैसे इसमें जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर आपकी तैयारी बहुत तगड़ी होगी। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज भी देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, मतलब आपका जो होल सिलेबस है वो तैयार हो जाएगा। देखिए, अगर आप ऐसे पहले पेज से लेकर के 400वें पन्ने तक सोचेंगे कि हम तैयार कर लें, तो आप करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि आपने स्टार्टिंग में 10 पन्ने पढ़े, पीछे के 9 पन्ने आप भूल गए जब आपने अगले के 10 पन्ने पढ़े। इसी तरीके से आप पूरी इतनी मोटी बुक को पढ़ते तो हैं, बट आपका रिटेंशन नहीं होता है। तो अगर आप इस तरीके से जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप इनको टारगेट बना बना करके तैयार करते हैं, गोल छोटे छोटे बना करके तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 5 टॉपिक उठा लिए कि आज मैं ये 5 टॉपिक तैयार करूंगा या करूंगी, एंड आपने फिर उसको उस दिन वो पूरे कर लिया। इस तरह से अगर आप ये जो भी टॉपिक्स हैं 50, 60, 70, 80, इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा और आपका टू द पॉइंट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए चलो सबसे पहले ये जो टॉपिक्स हैं इनको देख लेते हैं। इन सब टॉपिक्स को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप नोट कर सकते हैं, या फिर आपको जैसा सही लगे आप इसको अपने पास सेव कर लीजिए। बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति एक ऐसा टॉपिक है कि आप देखोगे चाहे वो UPSC हो, RO हो, या फिर BE हो, या और जो भी एग्जाम होते हैं लाइक PCS, JAPO, इसमें इन्फ्लेशन के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सिंपल। उसमें जैसे आपने देखा होगा कि पिछले साल PCS में हेडलाइन इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको कि शीर्षक मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। तो ये इन्फ्लेशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, केवल इन्फ्लेशन पढ़ो, ये नहीं कि पूरी इकॉनमी लेकर के बैठ गए, नहीं नहीं नहीं, पहले इन्फ्लेशन पढ़ लो, उसके बाद जो टाइम बचे उसमें बाकी चीज़ें पढ़ना। उसके बाद बात अगर करें यूपी के ऐतिहासिक स्थल, यानी कि यूपी के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको आपको ढंग से पढ़ लेना है कि किसकी क्या खास इंपॉर्टेंस है या क्या उसके बारे में कोई खास बात है। जैसे अगर कौशाम्बी है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, वाराणसी है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, जैसे श्रावस्ती है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो कि क्या है। यूपी के ऐतिहासिक स्थल, स्पेशली यूपी में आपको ऐतिहासिक स्थल देखने हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जो राजवंश और राजधानियां हैं, जैसे कि जो भी राजवंश आपके रहे हैं, जैसे आप बात जैसे कन्नौज है, तो आप कन्नौज पे कौन सा राजवंश ने अपना राज किया था, उसकी राजधानी कन्नौज थी या कौन सी थी, थानेश्वर से कन्नौज कौन लाया था, इस तरीके से जो भी प्लेसेस हैं, जो भी जैसे राजवंश हुए हैं, जैसे कि अगर आप बात करो कलिंग की, जो कलिंग वाला जो खारवेल वंश था और पूरा इस तरीके से, तो वहां पे कौन सा राजा हुआ करता था, कलिंग का राजा कौन था, वहां पे चेदी वंश था उसमें, और वहां पे क्या क्या चीजें थी, राजधानी क्या थी। तो इस तरीके से आपको जो भी इंपॉर्टेंट राजवंश है आपको उनकी राजधानियों को तैयार करना है। इसके बाद बात करें तो ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स आपको पता है दो तरीके की होती है, आपको चाहे वो गर्म जलधाराएं हो चाहे वो ठंडी जलधाराएं, आपको दोनों तैयार करनी है। और अगर सारी ना कर सको तो कम से कम जो मेन है वो तो तैयार कर लो। तो उसमें क्या है कि मान लो 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको एलिमिनेट कर ले जाओगे, आप उसमें से आप बेसिकली आंसर निकाल ले जाओगे। तो ये आपको ओशन करंट्स तैयार करना है। इसके बाद बात करें तो अभिलेख और शासक, यानी कि इंस्क्रिप्शन होते हैं वो, और किस रूलर का वो इंस्क्रिप्शन है, ये आपको तैयार करना है। जैसे आपने देखा होगा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, या समुद्रगुप्त का है, इसी तरीके से असीरगढ़ का अभिलेख किसका है, इसी तरीके से सोहगौरा वाला जो अभिलेख है वो किसका है, इसी तरीके से धनदेव का जो अभिलेख है वो कौन सा है, यानी कि अयोध्या का जो अभिलेख है वो धनदेव का है। तो इस तरीके से आपको जो रूलर है वो और उसके जो अभिलेख है वो पता होने चाहिए। अशोक के तो बहुत ही पॉपुलर है, वो तो आप जानते ही हैं। तो ये मतलब टू द पॉइंट आपको पढ़ना है कि जैसे आपने अभिलेख पढ़ लिया, ओशन करंट्स उठा लिया आपने एक दिन पढ़ लिया, राजवंश आपने उठाया देख लिया कि भाई कौन कौन सी राजधानियां वो करती थी, राजवंश कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक स्थल आपने देख ही लिया, मुद्रास्फीति हो गया। इसके बाद बात करें अगर तो भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में कायदे से पढ़ लीजिए, चाहे आप गूगल से पढ़ें, चाहे किताब से पढ़ें, चाहे कहीं से भी पढ़ें, उनके ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर की चाहे वो इंपॉर्टेंट कोई बुक हो, चाहे उन्होंने कोई संस्था बनाई हो जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, या और उन्होंने कोई अगर संस्था बनाई हो, कोई और उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला हो, कोई भी चीज़ हो, भीमराव अम्बेडकर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोग के लिए। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब बना था, क्या था, इसमें कितने मेंबर होते हैं, क्या इनकी पावर होती है, और इसमें जो सदस्य वगैरह होते हैं उनको उनकी रिटायरमेंट वगैरह का क्या सीन होता है, उनको कौन हटा सकता है, कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये आपको टिप पे पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसके बारे में 2-4 खास बातें क्या हैं। अब एक्ट्स, यानी कि 1909 का एक्ट जो था, 1919 का जो एक्ट था, 1935 का जो एक्ट है, ये तीन एक्ट तो आपके आपको रटे होने चाहिए, मतलब आपको इनके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर तीन एक्ट हैं, जैसे कि 1909 हो गया, 1919 हो गया और 1935 हो गया, इसमें क्या क्या खास बातें थी।
इसके बाद अगर बात करें संविधान की अनुसूचियां, आपने अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पिछले साल का दिया है या आपने इस बार का भी दिया है, या अगर आप आरओ यारओ देते हो, बीईओ देते हो, कोई भी एग्जाम आप देते हो, आप देखोगे कि संविधान की जो अनुसूचियां हैं यानी कि जो शेड्यूल है इसके ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसलिए शेड्यूल को कायदे से रट लो, 1 से 12 तक पूरा उसको कायदे से देख लो कि उसमें क्या क्या है। मैच द फॉलोइंग में आ जाता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। उसके बाद में जैसे आर्टिकल 89 है, आर्टिकल 93 है, आर्टिकल 98 है, आर्टिकल 99 है, ये 4 आर्टिकल आपको बहुत कायदे से याद होने चाहिए। देखो मैंने सारे नहीं लिखे हैं, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखे हैं। तो आपको आर्टिकल 89, आर्टिकल 93, आर्टिकल 98 और आर्टिकल 99, ये आपको चारों पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो ये है कि एक पुस्तक किसी बड़े आदमी की, लाइक आरबीआई गवर्नर। अब जैसे मान लो कोई ऐसे नॉर्मल कोई आदमी है, नॉर्मल कोई ऐसे लेखक है, उसने अपनी कोई बुक निकाल दी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आयोग वो कभी नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे आरबीआई का गवर्नर है या जैसे बिमल जलान साहब है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब रहती है, तो ये अक्सर पूछ लेता है आयोग। इस बार भी देखो यूपीपीसीएस में पूछा था, आरओ में भी 2021 में पूछा था, तो ये आपको तैयार करके जाना। अब देखो ये पुराना है, ये जो लिस्टिंग है आप देख सकते हो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की, ये मैंने 2023 की पहले बनाई थी, ये कोई मैंने आज नहीं बनाई है, और ये मेरे पास पहले से था कि हाँ भाई ये किसी बड़े आदमी की आरबीआई गवर्नर की बुक पूछ लेता है, मुझे पता था कि यहाँ बिमल जलान की आ सकती है। सो बिमल जलान की आई भी थी। सो इस तरीके से मतलब आपको अगर पता है, आपने एनालाइज कर रखा है चीज़ें, तो आप काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पहले से पता रहेंगे आपको कि हाँ ये आ सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबल है। बात करें प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नदी और उनके किनारे बने शहर, बसे शहर। अब इसमें प्रमुख नदियाँ जो हैं इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया की देखनी है, इंडिया में तो बेसिक बेसिक है, जैसे गोदावरी वगैरह है तो देख लो यार कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, क्या है, किसके उसके किनारे कौन बसा हुआ है। लेकिन आपको वैसे जो अगर बात करें भारत के बाहर, मतलब संसार में जो और जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देखोगे यूएस हो गया, या इधर आप जाओगे तो यूके वगैरह हो गया, लंदन हो गया, तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे लंदन हो गया, या जर्मनी की देश है तो जर्मनी का कोई अगर कोई और हो गया, इस तरीके की जो कंट्रीज़ वगैरह हैं उनमें जो हैं बड़े बड़े शहर वो किसके किनारे बसे हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि यार हडसन के किनारे कौन बसा हुआ है, या इराक जो है वो किसके किनारे बसा हुआ है, टिग्रिस के किसी और के, तो ये सब आपको बेसिकली पता होने चाहिए, प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे बसे शहर। लेखक और किताबें, लेखक किताबें का मतलब ये है मिडिवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत में जो भी पॉपुलर किताबें हैं, देखो सारी किताबें नहीं, जो पॉपुलर किताबें हैं, जैसे अगर किसी अनुवाद किया गया, आप देखोगे जैसे पिछले साल 2022 वाले में, इस बार भी 2023 में, एक ना एक किताब का अनुवाद अगर कोई किया होता है, संस्कृत में किया गया है, फारसी में किया गया है, या उसका हिंदी में अनुवाद है, उसको किसी में उसमें किया गया है, तो मध्यकालीन इतिहास में ये जो इंपॉर्टेंट बुक होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसके बाद अगर आप बात करें तो जौहर करके एक था, जौहर आफ्ताबाची करके आपको एक मिडिवल हिस्ट्री में मिलेंगे, आप सर्च करोगे आपको मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा हैदर दुगलत, कभी भी इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, आप इनके बारे में पढ़ोगे आपको मिल जाएगा, ये लेखक हुआ करते थे और इनकी ही वैल्यू है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे तो बहुत सारे थे, 100-150 थे, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आयोग के हिसाब से, तो आप इनके बारे में थोड़ा देख लेना, थोड़ा थोड़ा मुअद्दत खां के बारे में देख लेना, और थोड़ा थोड़ा आप गुलबदन बेगम के बारे में भी देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर बात करें तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें आप ये देख लीजिए आर्टिकल 316 है, आर्टिकल 316 आपको ढंग से तैयार करना है। उसके बाद अगर आप बात करें तो आर्टिकल 320 है, उसके बाद बात करें तो आर्टिकल 322 है, और उसके बाद अगर आप बात करें तो आर्टिकल 323 है। ये आपने देखा होगा इस बार भी आर्टिकल 323 पूछा गया था, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। सो ये आर्टिकल आपको जो आर्टिकल 316, 320, 322, 323 है, ये अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद बात करें तो सागरों से सटे हुए देश, यानी कि जैसे भूमध्य सागर है तो उससे सटे हुए देश कौन कौन से हैं, काला सागर है तो उससे सटे हुए देश कौन कौन से हैं, तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है, और इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई जैसे मिडिवल हिस्ट्री है, या लाल सागर है सपोज, तो लाल सागर के आसपास कौन कौन से हैं, कैस्पियन सागर है तो कैस्पियन सागर के क्या आसपास क्या क्या है। सो ये जो मैपिंग का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ये आपको पता होना चाहिए, यही टिप पर पता होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तो ये किसके किसके किनारे हैं, या इनकी जो बॉर्डरिंग चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि इनके किनारे कौन सा कोई अगर पाकिस्तान है या कोई ऐसी चीज़ है जो ये लोग शेयर कर रहे हैं बॉर्डर, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में अगर बात करें तो जो INC के यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन है, जैसे 1924 का कब हुआ था बेलगाम अधिवेशन था, या 1925 में जिसमें सरोजिनी नायडू थी वो कानपुर में हुआ था, या इसी तरीके से अगर बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, या अगर बात करें त्रिपुरी जो संकट है, जो त्रिपुरी अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, 1939 है कि 1938 है, मेरठ का कब हुआ था, 1906 में कहाँ पे हुआ था, 1905 में कहाँ हुआ था, 1920 में कहाँ हुआ था, 1886 में कहाँ हुआ था, 1892 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था कि कहीं और हुआ था, इस तरीके से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए कि भाई भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके आपको अधिवेशन पता होने चाहिए। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना है। सारे मत पढ़ो, ऐसा नहीं है कि जो बाकी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट जरूर पढ़ लो। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो पढ़ना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है कि अब नॉर्थ अमेरिका भी छोड़ दे रहे हो, अफ्रीका भी छोड़ दे रहे हो, तो फिर पढ़ोगे क्या, है ना। तो मतलब
अगर आपके पास टाइम कम है तो अफ्रीका जरूर पढ़ लो। अफ्रीका की जो रिवर्स हैं, कहाँ से निकल रही हैं, क्या हैं, या वहाँ की जो झीलें हैं, जैसे विक्टोरिया झील है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई उसका ओरिजिन कहाँ से है, क्या है, जैसे नील रिवर है। तो ये सब चीज़ें मतलब बेसिक हैं, उसी से पूछता है वो घुमा घुमा। जैसे अफ्रीका की झीलें हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि विक्टोरिया झील है, टंगानिका झील है, रुडोल्फ झील है, चार झील है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 117 है, आर्टिकल 112 है, ये तीन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो वित्त आयोग है, यानी कि फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में स्पेशली पता होना चाहिए कि भाई इसमें कौन से मेंबर होते हैं, क्या होता है। इसके अलावा बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है, यानी कि देखो ऐसे तो बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया है, तो वो कुछ गिने चुने हैं, तो वो आपको देख लेना है। और उसमें पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है, एटलीस्ट वो जरूर देख लेना। कभी कभी ये भी होता है कि आयोग पूछ लेता है कि पहला वाला कौन सा था, आखिरी वाला कौन सा था, हाल में कौन सा अभी अपडेट हुआ है, कौन सा ऐड हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पीसीएचजे में भी आया था बायोस्फीयर रिजर्व्स वाला, ना विश्वास हो तो आप जाके देख लेना। उसके अलावा बात करें तो जो पार्टिकल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, क्वार्क है, फोटोन है, ये सब पार्टिकल्स हैं, तो इन सबके थोड़े थोड़े जो करेक्टरिस्टिक हैं कि क्या होता है, किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पे नेगेटिव चार्ज होता है, किसकी और क्या खास बात होती है, किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, मतलब जो बेसिक बेसिक तीन चार फीचर होते हैं ना, वो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा यार पढ़ लो, किसने बनवाई थी, कब बनवाई थी, उसमें मीनार मीनार जो है उसकी चौथी पांचवी वो किसने डेवलप करवाई थी, और मतलब खराब खराब हो गई थी ना, वो टूट टाट गई थी, तो उसके बाद में उसको फिरोज तुगलक ने सही करवाया था, फिर एक मंजिल और बनवा दी थी, तो वो सब जो चीज़ें हैं कि किसने कंप्लीट कराया, किसने शुरू किया था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया लेकिन वो बनवा नहीं पाया, फिर उसने थोड़ा कंप्लीट कराई, फिर उसके बाद में फिरोज तुगलक आया, तो इस तरीके से आपको मतलब कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिरोज तुगलक मैंने आपको बताया ही है, इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है, अगर आप देखोगे जाके तो आई थिंक 2020 या 21 का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि जो किस कौन सा ऐसा रूलर था जिसकी राजबवा को पुनर्जीवित करके नहर वहर का वो किया गया था, तो वो उसमें फिरोज तुगलक ही आंसर था। तो फिरोज तुगलक के बारे में मतलब अक्सर पूछता है, और भी पेपर्स में आप जाओगे तो आप देखोगे कि फिरोज तुगलक के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा आराम शाह एक और था, उसके बारे में पढ़ लेना, ये भी उन्हीं का था, ये भी मतलब जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक वाला जो था, क्या बोलते हैं उसको, गुलाम वंश, उसी में आता है ये आराम शाह, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आयोग इस पर फोकस करता है, ऑप्शन में ये कई बार दिया रहता है, कभी भी आपका ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आराम शाह के बारे में, फिर आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑप्शन में ये रहता है, आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद जो जयमंडल अगार होते हैं वो बहुत है, मतलब उसमें आपको वही है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से स्टेट में कौन सा है, तो बेसिकली ये आपको मैंने अभी ऊपर बताया है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो कर्व होते हैं, जैसे कि लेफर कर्व है, फिलिप्स कर्व है, ग्रिफिथ कर्व है, लॉरेंस कर्व है, ये कम से कम आपको चार कर्व जो है ये अच्छे से मालूम होने चाहिए, लेफर, फिलिप्स, ग्रिफिथ और लॉरेंस, ये चार नोट कर लो, ये चारों पता होने चाहिए। इसके बाद में मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जो मुगल शासक हैं उनके समय ग्रंथों का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में जो स्टेट है और उसमें जो माइंस हैं, जैसे संदूर वाली कहाँ पर है, दंतेवाड़ा कहाँ पर है, नोआमुंडी कहाँ पर है, बेलाडीला कहाँ पर है, तो आपको मालूम है कि यार बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, नोआमुंडी झारखंड में है, दंतेवाड़ा एमपी में है, संदूर की जो खदानें हैं, माइंस हैं, वो कर्नाटक में है। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि वो किस स्टेट में आती हैं, सारी मत पढ़ो लेकिन कम से कम मेन मेन पता होनी चाहिए कि हाँ भाई हीरे की यहाँ पर है, तांबे का यहाँ पर मिलता है, इस तरीके से कोयले की सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर है, आयरन ओर की यहाँ पर है, तो इस तरीके से अगर आपको मेन मेन भी मालूम है ना तो आप वहाँ पर ऑप्शन में एलिमिनेट कर ले जाओगे। इसी तरीके से जो पहाड़ियाँ हैं, भारत के जो राज्य हैं उनमें जो पहाड़ियाँ मेन मेन उनके बारे में देख लो कि भाई कौन कौन सी पहाड़ी कहां पर है। अब जो बेसिक एकदम है वो नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे कुछ कुछ मान लो महाराष्ट्र की हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की कुछ कुछ है तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में मुगलों के समय जो टर्मिनोलॉजी थी, देखो यार इस बार भी खरीदार पूछा गया था ना, तो दिल्ली सल्तनत में और मुगल्स के टाइम पे जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको पढ़ लो। यूपीएससी में भी पिछले साल क्वेश्चन आया था, सरकार अरकार के बारे में पूछा था कुछ कि सरकार अरकार छोटा जो होता था उसको क्या बोलते थे, कैसे क्या है, तो ये हमेशा पूछ लेता है, कोई ना कोई एक ऐसा अजीब सा टर्म होगा, आप सोचोगे कि ये किसने बनवाया था, ये किसने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। उसके बाद बात करें डायनेस्टी और फाउंडर, यानी कि जो वंश हैं, यही जो राजवंश वगैरह हुआ करते थे, तो उनको किसने, उसका फाउंडर कौन था, उसका जो मेन एकदम सर्वे सर्वा जो होता था ना, जो उसको बनाता, जैसे चोल वंश है तो चोल वंश की स्थापना किसने की, तो विजयालय ने की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रूलर कौन था मेन जिसने उसको बनाया। इसके बाद में जो रिवर्स हैं और जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पता होना चाहिए, सारे नहीं पता करने हैं लेकिन कम से कम मेन मेन पता हो कि हाँ भाई कौन सा होता है, क्या होता है। इसी तरीके से जो जिला न्यायाधीश है
डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसके बारे में आपको दो चार स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ भाई दो स्टेटमेंट आप क्या इसकी खास बात होती है, जैसे आर्टिकल में संविधान में किस आर्टिकल में इसको पावर्स वगैरह दी गई हैं, किसका किसके तहत इसका वो किया गया है। तो ये सब इस तरीके से दो तीन चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 72, 78, आर्टिकल 80 एंड 81, ये चार आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 72, 78, 80 एंड 81। इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी जो सीमाएं हैं यानी कि जो बॉर्डर है वो किसके साथ कौन सा लगता है ये पता होना चाहिए। जैसे असम है तो असम का नागालैंड के साथ लगता है कि नहीं लगता है, बांग्लादेश के साथ किसका लगता है या भूटान के साथ किसका लगता है, सिक्किम के साथ किसका लगता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई जो भी मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, इनकी सीमाएँ क्या किसी और अंतर्राष्ट्रीय उसके साथ लगती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने कितने के साथ लगती है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। इसी तरीके से जो भी आधुनिक भारत के इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके फाउंडर आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए। अनुशीलन समिति है उसकी स्थापना किसने की थी, आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से और अगर कोई मान लो 1906 में कोई बनी है, 1908 में कोई बनी है, 1911 में कोई बनी है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे गदर पार्टी है तो गदर पार्टी किसने बनवाई थी, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एकदम चर्चित जो हुआ करती थी, जिसमें कोई सब जिसका कोई सिग्निफिकेंट रोल था उसी को पूछेगा और उसका फाउंडर पूछ लेगा, सिंपल सा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आज़ाद हिंद फौज है तो आज़ाद हिंद फौज का बता दो, इस तरीके से। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आपके सामने देखिए है ताप विद्युत संयंत्र यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो, और वो किस स्टेट में है। तो इसमें भी मोस्ट पॉपुलर वाले जैसे तीन चार देख लो, कोई कोई मेन मेन वो स्टेट ऑप्शन में आएगा तो वो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर ले जाओगे। इसके बाद बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये देखिए इस बार क्वेश्चन आई थिंक आया भी था 2023 वाले में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है, जैसे कल्पक्कम वाला एक क्वेश्चन आया था ना, तो वो इसी से आपका हो जाता अगर आपने पढ़ा होता। क्योंकि जब भी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप पढ़ोगे तो उसमें जो कुछ दो तीन मेन मेन है वो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो योजनाएं होती हैं उनका आपको ईयर मालूम होना चाहिए, और उसमें भी योजनाओं में सारी नहीं रटनी है कि छोटी छोटी योजनाएं रट रहे हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं उनके बारे में एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अटल पेंशन योजना है, पीएम फसल बीमा योजना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये चार योजनाएं बहुत मतलब बड़ी हैं और इनका अक्सर पूछ लेता है कि इनका ईयर पूछ लेता है, तो कम से कम आपको ये चार पता होनी चाहिए। मान लो इसमें से आपको ये तीन मालूम है, ऑप्शन आपके सामने आए उसमें मान लो इनमें से कोई दो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कम से कम आप एलिमिनेट कर लोगे। और ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं जानते हो किसी और के बारे में, मान लो मेक इन इंडिया एक ऑप्शन दिया है, एक में दिया अटल पेंशन योजना, एक में आपको कोई और दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप कुछ कुछ दिमाग लगा के एलिमिनेट कर ले जाओगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में जो बुक्स होती हैं उनके लेखक, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी है, तो आप क्या बताओगे, भाई ये लिखी है भगवती चरण वोरा ने। तो इस तरीके से जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके जरा सा देख लो कि अभ्युदय किसने लिखी है, लीडर किसने लिखी है, या जो अल हिलाल है वो किसने लिखी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, और लीडर हो गई ये आपकी मदन मोहन मालवीय हैं, और ये जो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब है ये आपकी भगवती चरण वोरा की है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके जो लेखक हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद में जो आंदोलन है और जो नेता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो किसानों के जो विद्रोह हुए थे तो उसमें कौन उनका नेता, किसमें कौन था, इसी तरीके से जो जैसे मोपला विद्रोह था, मोपला विद्रोह आई थिंक इस बार पूछा गया था, तो मोपला विद्रोह का कौन था मेन, उसमें जो लीडर था वो कौन था, तो आपको ये जो मेन जो आंदोलन थे उनके आपको नेता पढ़ने हैं। इसी तरीके से जो सैटेलाइट होती है और जो ऑर्बिट है और उसकी डिस्टेंस अबव द इक्वेटर, यानी कि सैटेलाइट जैसे मान लो जैसे GSLV है या PSLV है, तो उसमें वो पूछ देगा कि भैया ये जो अंतरिक्ष में मतलब जब ये उपग्रह जब ये जाते हैं, सैटेलाइट जब ये जाते हैं ऊपर, तो ये कितनी कितनी ऊंचाई पे ये वो करते हैं, घूमते हैं, कितनी ऊंचाई पर इनको भेजा जाता है। तो ये आपको एक मेन जो होता है वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, और चारों की अलग अलग होती है, जैसे GSLV है, PSLV है, तो उसका अलग अलग होता है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे गरीबी है, गरीबी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से बन जाएगा। तो गरीबी क्या होती है, इससे रिलेटेड कमेटी कौन सी है, गरीबी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा है, गरीबी का सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, किस सोशियोलॉजिस्ट ने दिया था, मतलब गरीबी के बारे में दो चार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिक एकदम, उतना ज्ञान आपको होना चाहिए। सेम विद बेरोजगारी, बेरोजगारी कितना टाइप की होती है, चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक बेरोजगारी क्या होती है, सीजनल बेरोजगारी क्या होती है, तो मतलब बेरोजगारी के बारे में भी आपको दो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक फैक्ट है सबसे ऊपर जो किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे वो आपको तैयार होने चाहिए। इसी तरीके से HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बारे में भी वही चीज़ है, दसों बार पूछा जा चुका है UPSC में। इसी तरीके से MPI यानी कि मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके बाद में नीति आयोग,
रिपोर्ट है, मैंने देखा है लोग कुछ भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। अरे भाई सारी रिपोर्ट नहीं पूछेगा, एक नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग से रिलेटेड कोई भी, अगर नीति आयोग मान लो कोई रिपोर्ट निकाल रहा है वो पढ़ लो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक गतिशीलता सूचकांक किस बार निकला था, वो कौन था उसमें, किसने निकाली थी। तो इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जैसे नीति आयोग है, या आपका पीस इंडेक्स है, या आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स है, या आपका हंगर इंडेक्स है, या आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है, बस यही चार पाँच जो है इसी से पूछता है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी कोई रिपोर्ट पूछ देगा। तो ये जो चार पाँच ऑर्गेनाइजेशन है इन्हीं का थोड़ा ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। बाकी थोड़ा थोड़ा IMF का देख लो, थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड बैंक का देख लो, सबका नहीं देखना है। इसके अलावा अगर कोई है तो वो छोड़ दो, आएगा पेपर में सब क्लियर टफ होगा, कोई नहीं कर पाएगा ये, लेकिन बेसिक है। अगर नीति आयोग की कोई रिपोर्ट पूछ रहा है और आप गलत कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला होता है वो पता होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कंट्रास्ट में देख लो कि हाँ भाई इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें क्या चीज़ नहीं होती है। बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, पूरा रटने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक एक चीज़ मालूम हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है वो अगर आपको पता है तो आप अक्सर आप देखोगे कि आप 10 में से 9 बार क्वेश्चन बना ले जा रहे हो। इसी तरीके से देख लो कि दर्रे होते हैं और जो राज्य होते हैं, यानी कि जैसे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से पासेस हैं, तो वो थोड़ा सा देख लो। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होते हैं, आपको देखने में लगेगा पढ़ने में पहली बार में कि ये होगा उत्तराखंड में, लेकिन वो निकलता है हिमाचल में। जो हिमाचल का लगेगा वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो वो थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो कि भाई कौन से स्टेट में कौन सा पास है। इसी तरीके से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं और उनकी जो लोकेशन है वो थोड़ा सा देख लो। देखो कुछ कुछ तो बेसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो तो आपको पता रहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, जैसे दाल का यहाँ पर है, चावल का यहाँ पर है, वो सब बेसिक होते हैं पता रहता है। कोई कोई ऐसे होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे लैंग्वेज के ऊपर मान लो है, या मान लो आलू के ऊपर है, या मान लो कि गन्ने के ऊपर है। तो इस तरीके से कोई अगर कोई स्पेसिफिक तरीके का है जो आपको नहीं पता है तो वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलाने को आ जाता है मैच द फॉलोइंग में। ईजी क्वेश्चन होता है, अगर आपको 2-3 इंस्टीट्यूट उसमें से मालूम है तो आप इजिली एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। सो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला गलत मत करना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में रवि फसलें खरीफ फसलें, बेसिक डिफरेंस। वैसे तो जितने भी मेरे किसान भाई हैं, जितने भी मेरे किसान बहनें हैं, जो भी जिनको थोड़ा सा भी मतलब एक इनके घर में खेतीबाड़ी है या गाँव गाँव से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा भी मतलब अपने गाँव गाँव घर भर जाते हैं, उनको सबको ये चीज़ बेसिक पता होती है। शहर के बंदे को एक बार फिर भी ना मालूम हो कि यार रबी फसल कौन सी होती है, खरीफ फसल कौन सी होती है, लेकिन जो थोड़ा सा भी गांव से बिलोंग करता है, जिसका घर बार होता है, उसको जरूर पता रहता है कि हाँ भाई रबी फसल क्या है, खरीफ फसलें क्या है। बेसिकली मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि जो सर्दी की फसलें हैं वो रबी फसलें होती है। सर्दी रबी, सर्दी वर्ड छोटा होता है हिंदी का, तो रबी भी वर्ड छोटा है। खरीफ थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, गर्मी को उससे मान सकते हो। तो जो रबी फसलें हैं वो आपकी सर्दी वाली होती हैं, सरसों हो गया, तो ये आपकी आलू हो गया, सरसों हैं, ये सब आपकी रबी की होती हैं। खरीफ में कौन सी आती हैं, जो इस समय, ये आपकी गर्मी वाली फसलें जो होती हैं। बाकी जो जायद वाली होती हैं, जायद में आपका ये सब आ जाता है, ये जो सीज़न अभी चल रहा है, इतनी गर्मी चल रही है, इसमें क्या खाते हैं लोग, इसमें ककड़ी खाते हैं, इसमें लोग खरबूजा खाते हैं, इसमें लोग तरबूजा खाते हैं, वाटरमेलन और ये सब मस्कमेलन वगैरह। सो ये सब चीज़ें जो हैं सब जायद में आ जाती हैं। सो इस तरीके से आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। वहाँ पर चार चीज़ें दे देगा, उसमें कह देगा मिलाइए भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई रबी फसल खरीफ फसल क्या है। बेसिक है, देखो ये इसमें ऐसा नहीं है बहुत कोई रॉकेट साइंस है, बट इट जस्ट कि बेसिक ही नहीं क्लियर होता है। इसके अलावा विद्रोह, विद्रोह का नेता मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन शाहजहां के टाइम पे अगर विद्रोह हुए थे और उसमें विद्रोह का नेता कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा यार, वैसे राइटिंग राइटिंग मेरी इतनी तो है ही, मतलब कि आपको समझ में आ रहा हो। इसके अलावा जो शास्त्रीय गायक हैं, यानी कि जो क्लासिकल सिंगर हैं, वो किस घराने को बिलोंग करते थे, उसमें चार पांच जो मेन है वो आपको पता होने चाहिए। सबके नाम आपको नहीं रटने हैं, लेकिन जो चार पांच किसी भी क्षेत्र के बहुत पॉपुलर होते हैं, जैसे मान लो सितार का कोई बहुत पॉपुलर आदमी है, या मान लो कि जो आपका शहनाई है उसका कोई बहुत पॉपुलर है, तबले का कोई बहुत पॉपुलर है, तो वो यार आपको पता होना चाहिए। सरोद का अगर कोई बहुत पॉपुलर है, सबके एक एक दो दो नाम पढ़ लो कि हाँ भाई जाकिर हुसैन किसके थे, या अमजद खान जो है वो किसके थे, इस तरीके से। तो वो अगर आप कर लोगे तो चार वहाँ पे देगा, आप तुरंत उसमें एलिमिनेट कर ले जाओगे। इसके बाद जो बौद्ध साहित्य है, यानी कि जो आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अधिनियम और वर्ष, अधिनियम वर्ष का मतलब क्या है, यानी कि एक्ट और उसको किस साल पारित हुए थे। जैसे कि यार इंडियन आर्म्स एक्ट है तो वो कब आया था, या जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है तो वो कब आया था, इसी तरीके से जो शाही अधिनियम है वो कब आया था। तो ये सब आपको जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट है ये पता होने चाहिए। अगर आप UPSC का 18 UPSC का अगर आप 2018 के आसपास का पेपर उठाओगे तो आप देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता था, एंड इवन UPSC में तो अभी भी पूछता है, GS के पेपर में पूछ लिया था। और ये चार पांच एक्ट दे देगा आपको, उसमें मिलाना होगा। जैसे एक होता है साझेदारी अधिनियम, तो वो कब आया था, एक होता है वस्तु विक्रय अधिनियम, तो वो कब आया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट 1930-1932 के हैं। सो ये मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए यार, चार पांच एक्ट इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ लो। अब इसी तरीके से कमिटीज़ की बात करें तो कमिटीज़ में यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कमिटी सिर्फ यही पढ़नी है, लेकिन ये वाली तो पता ही होना चाहिए। ये तो अक्सर पूछ देता है, जैसे रंगराजन कमेटी है वो किस लिए थी, तेंदुलकर कमेटी किस लिए है, लकड़ा वाला कमेटी किस लिए है, सेन समिति किस लिए है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद
जल विद्युत आधारित परियोजनाएं, यानी कि जो हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कोल्डम है, रम्मम है, ये सब कहाँ हैं, तो ये आपको ये दोनों एटलीस्ट पता होने चाहिए। पूरे भारत में और सारे कोई पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन कम से कम ये दोनों पता कर लो। ये थोड़ा अजीब से नाम है, इतने कोई नेचुरल मतलब इतने कोई पॉपुलर भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, जो आपने कहीं ऐसे चलते फिरते सुने हो, थोड़ा सा अजीब से नाम है। तो ये देख लेना कि कोल्डम कहाँ है और रम्मम कहाँ है और हाइड्रो पावर। बाकी आप जब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा तीन चार भी मतलब जान लो। तो कुछ जितने भी ये टॉपिक्स हैं लिस्टिंग के, इसमें ये नहीं है कि आपको पूरा रटना है। जो पढ़ सकता है उसको तो कायदे में पढ़ना चाहिए, वो तो कहीं से भी फिर लैक ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसका 50% भी तैयार कर लोगे, मतलब जो टॉपिक्स दिए हैं उसमें अगर आप 50% भी तैयार कर लोगे, तो आप देखोगे वहाँ पे आप ऑप्शंस में एलिमिनेट कर पा रहे हो। अब इसी तरीके से जैसे नरसिम्हन कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लीला हजरत कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, नायक कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। नायक तो पूछा भी जा चुका है, नायक बहुत पूछता है, तो नायक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे महत्वपूर्ण दिवस है और तिथि है, आप देखोगे पिछली साल UPBCS में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे के ऊपर आए थे, इस बार भी एक क्वेश्चन आया था। अब जिसको पता है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, अब अगले साल पेपर दोगे या RO का पेपर भी दोगे, आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट डे आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 फरवरी है तो 2 फरवरी को क्या मनाते हो, वेटलैंड डे मनाते हो। 4 फरवरी को क्या मनाते हो, कैंसर डे मनाते हो। इस तरीके से 1 तारीख है 1 दिसंबर एड्स डे मनाते हो। इसी तरीके से 22 मई है उसको क्या मनाते हो, 25 मई है उसको थायराइड डे मनाते हो। 14 नवंबर है उसको डायबिटीज वाला डे मनाते हो, है ना। या अभी जैसे आपका 7 तारीख को 7 नवंबर को जो होता है, 7 नवंबर नहीं 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। आई थिंक अभी परसों UPSC का पेपर था मेरा, उसमें आया था ये, तो पता था भाई, तुरंत लगा लिया उसमें। तो मतलब कि इंपॉर्टेंट डेज और वो किस दिन मनाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यार कायदे से पढ़ लेना। इसके बाद बात करें वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, कोई इंडेक्स याद करो ना करो, लेकिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और इसमें भी आपको जो पहला और लास्ट है कि सबसे बुरी स्थिति किसकी है, सबसे अच्छी स्थिति किसकी है और इंडिया की कंडीशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। इसके बाद अगर बात करें तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिक बेसिक वाले, जैसे WEF है या IMO है या यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है या जो आपका WTO है, पता होना चाहिए यार। अब जैसे WTO पूछा, WTO एक बहुत हॉट टॉपिक है UPSC का, अब 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था वो, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि WTO 1995 में बना था तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि भाई उसका लोकेशन कहाँ है, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नदियां हैं, तो नदियां आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वर्ल्ड में भी और भारत की तो हैं ही, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत है तो भारत में यार कम से कम गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लो, महानदी के बारे में पढ़ लो, साउथ में गोदावरी कावेरी के बारे में पढ़ लो और उनकी सहायक नदियां पढ़ लो। सारी नदियां पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम इनके बारे में तो पढ़ ही लो कि भाई ये कहां से निकलती हैं, दाएं तट पर कौन सी मिलती है, बाएं तट पर कौन सी निकलती है। तो इस तरीके से आपका नदी वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप विदेश की बात करोगे, मतलब संसार में, ब्रह्मांड में, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो उसमें भी यही सीन है कि मेन जो रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ लो यार, कि नेल्सन रिवर कहाँ पर है या जो सीन रिवर है वो कहाँ पर है ना, पेरिस में कौन सी है, या हडसन रिवर है वो कौन सी है। तो इस तरीके से आपको मेन नदियाँ पढ़ लेनी है। इसी तरीके से झीलों का है यार, कनाडा में बहुत सारी झीलें हैं तो उसका देख लो, कुछ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें फिनलैंड की हैं तो वो 2-3 देख लो। इस तरीके से UK में, लंदन में अगर कोई है, जर्मनी में कोई है, ऑस्ट्रिया में कोई अगर है, तो इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो आपको पता होना चाहिए। विक्टोरिया है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे छोटी झील कौन सी है, लगून झील कौन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। भारत में भी जैसे पूछ देगा कि यार खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है या फिर लगून झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील जैसे पूछा गया था पिछले साल, तो ये आपको झीलों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात करें इंपॉर्टेंट केसेस की, तो इंपॉर्टेंट केसेस में यार जैसे बिरुवारी का केस है, गोलकनाथ का केस है, सज्जन सिंह केस है, केशवानंद भारती केस है, ये 4 केस के बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। मतलब इसमें आप कोई ऐसा नहीं कर सकते कि ये भी नहीं पता है। गोलकनाथ है तो गोलकनाथ आई थिंक 67 का है, 67, बिरुवारी 60 का है, और इसके बाद आप बात करें तो केशवानंद भारती तो वो 1973 का है। या तो क्रोनोलॉजी में लगाने को दे देगा, जैसे कि पिछले साल पूछा गया था कि क्रोनोलॉजी में लगाने को दे दिया था, या फिर आपसे इसके बारे में ही थोड़ा पूछ लेगा कि भारतीय संविधान का जो मौलिक ढांचा है, यानी कि जो एकदम जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है, वो किस में एकदम से कर दिया गया था, किस केस में कर दिया गया था, मान लिया गया था, तो वो केशवानंद भारती में मान लिया गया था। पहले उसको मना किया गया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, उसके बाद में केशवानंद भारती में मान लिया गया था। तो ये 4 जो केस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, थोड़ा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट कि मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, बाकी मैं आपको जब टॉपिक कराऊंगा तो फिर आपकी सारी चीज़ें कवर ही हो जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे जैसे रेलवे जोन और मुख्यालय, तो रेलवे जोन थोड़ा सा देख लो यार कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, या आपका नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, साउथ ईस्ट में कौन सा है, मिडिल में कौन सा पड़ता है, तो रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर ये आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज UPSC का फेवरेट है, पंचायती राज में कौन से आर्टिकल में दिया गया है, किस शेड्यूल के थ्रू इसको वो किया गया था, ऐड किया गया था, और किस साल किया गया था, क्या इसमें सिस्टम होता है, कब सबसे पहले ये किस स्टेट में आया था, पंचायत के ऊपर जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो तैयार होने चाहिए पंचायती राज के ऊपर। इसके बाद मैं खदाने और राज्य वाला और उनसे प्राप्त खनिज, माइंस वाला तो मैंने आपको बताया था, स्टेट ऑफ माइन वाला, और उसमें ये भी देख लेना कि यार उनसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल मिलता है,
कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, आयरन कहाँ मिलता है, एल्युमिनियम का कहाँ मिलता है ना, ये सब चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए, कोयले का पता होना चाहिए। इसके बाद है विदेशी यात्री और आगमन का वर्ष। विदेशी यात्री में जैसे फायान है, वेनसांग है, इत्सिंग है, आर ओ 2021 का पेपर उठा लेना, उसमें देख लेना, उसमें आपको यही क्वेश्चन मिलेगा कि फायान कब आया था, वेनसांग कब आया था, इत्सिंग कब आया था। इसी तरीके से कुछ कुछ अरब यात्री हैं, जैसे मान लो सुलेमान है वो कब आया था, अल मसूदी है वो कब आया था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ट्रेवलर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए यार, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बात करें संविधान के पार्ट्स और उसके प्रोविजंस या फिर जो विषय वगैरह होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भाई। पार्ट 16 में क्या है, पार्ट 15 में क्या है, पार्ट 20 में क्या है, पार्ट 18 में क्या है, पार्ट 17 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस किस में है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस में है, पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 7 में क्या है, पार्ट 5 में क्या है। ये यार बेसिक है, बेसिक मतलब बहुत ज़्यादा वो कोई टफ चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे बेसिक पार्ट्स पूछ रहा है संविधान के, तो इतना तो मालूम ही होना चाहिए। अब संसद की समिति, तो संसद की समिति में कम से कम जो दो समितियां हैं उनके बारे में तो आपको दो दो पॉइंट पता ही होने चाहिए। अगर किसी के बारे में और नहीं भी जानते हो तो कम से कम लोकलेखा समिति और प्राकलन समिति, कम से कम इनके बारे में तो यार बिल्कुल पता होना चाहिए। किसमें कितने मेंबर होते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से लिए जाते हैं कि राज्यसभा से लिए जाते हैं, कम से कम यार इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए। इसके बाद जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, और उसमें भी जो कुछ कुछ प्लेसेस हैं जैसे लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा, इनके बारे में कायदे से पढ़ लो। इसमें मतलब यार वो मत करना कि इसके बारे में भी नहीं पता है, मतलब ये टॉपिक, ये जो तीन जो प्लेसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ सकता है, या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसमें आंसर हो सकता है कि यही तीन दिए हों, इसलिए इनके बारे में ढंग से पढ़ लो। योजना वर्ष मैंने आपको बताया ही था, वंश और उसके शासक और उनकी उपाधियां, जैसे कोई कोई टाइटल होता था ना कि उसने, जैसे चोल वंश में पूछ लेगा कि गंगेट कोल्ड चोलपुरम किसकी उपाधि थी, या विक्रमादित्य जो है वो किसकी उपाधि थी, गुप्त राजाओं में किसने सबसे पहले कौन सी उपाधि ये ली, इस तरीके से जो होता है ना कुछ कुछ चीज़ें, जैसे एक वो था महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने ली थी, तो इस तरीके से जो टाइटल्स वगैरह होते हैं उपाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको कम से कम मेन मेन रूलर जो हैं, जिसने अगर कोई बहुत उपाधि ली थी पहले सबसे बार, या बहुत उसने कोई एक बड़ा काम किया था तब उसने कोई उपाधि ली थी, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं उनकी भाषा पता होना चाहिए, उसमें पूछ देगा कि भाई वो मराठी भाषा का था, इंग्लिश का था, गुजराती का था, उर्दू का था, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडियन मिरर है, अभी कोई पूछे इंडियन मिरर जो है वो इंग्लिश का है कि हिंदी का है कि कैसा है, तो पता होना चाहिए। इसी तरीके से जैसा अगर कोई पूछ ले कि प्रजामित्र है, प्रजामित्र गुजराती है कि महाराष्ट्रियन है, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये। इसी तरीके से जैसे रिवर्स मैंने आपको बताया था, तो रिवर्स में देखो महानदी, महानदी लगातार दो साल से पीसेस ने पूछा है, 21 में भी महानदी के ऊपर पूछा था, 22 में भी पूछा था, और जस्ट उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था, लेकिन दोनों बार महानदी ही आंसर था। आप देखोगे आपको जाके मिल जाएगा, 2021 का पेपर यूपीपीएससी का देख लेना, 2022 का देख लेना, दोनों में महानदी आंसर था। तो महानदी कहीं ना कहीं यूपीपीएससी के ऑप्शन में जरूर होता है। महानदी के बारे में अगर आपको बेसिक तीन चार फैक्ट भी मालूम है, उसकी सहायक नदियों के बारे में मालूम है, तो आप एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही ले जाओगे। महानदी के बारे में अक्सर पूछता है, इस बार कावेरी के बारे में पूछ लिया था, तो महानदी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, इनके बारे में बेसिक बेसिक देख लो यार, कहाँ से ओरिजिन होता है और इसकी सहायक नदियाँ बेसिक बेसिक कौन सी हैं, जो एकदम मोस्ट पॉपुलर नाम हो। नर्मदा तापी आपको पता ही है, नर्मदा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तापी साथ में थोड़ा सा देख लो एक लाइन, बाकी बहुत ज़्यादा रिवर जैसे पेनार है और नीचे की साउथ की बहुत सारी हैं, वो सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, लेकिन कम से कम जो नॉर्थ इंडिया की मेन मेन है और साउथ इंडिया की मेन मेन है उतना पता होना चाहिए। इसके बाद में शासक, वंश और विख्यात रचनाकार, जैसे मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, अब उसने किसी बहुत बड़े रचनाकार को, जैसे कोई कवि अभी होते थे ना, उनको आश्रय देते थे, संरक्षण प्रदान करते थे, उनको पैट्रोनाइज करते थे, वो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछ लेता है कि फलाना फलाना कवि जो है वो किसके टाइम पे हुआ करते थे, उनको किसने श्रेय आश्रय दिया था। इसके अलावा जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ भाई उन्होंने सबसे पहले आए थे तो कहाँ पर अपनी जो फैक्ट्री वगैरह है वो लगाई थी, उनमें सबसे जो दिग्गज उनके जो थे रूलर टाइप या जो किंग टाइप वो कौन थे जिसने सबसे पहले कैपिटलाइज करना शुरू किया था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बेसिक बेसिक। इसके बाद में जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या प्रोटोजोआ है, इनसे होने वाली बीमारियां, जैसे अगर कोई पूछे कि भाई काला आजार है, काला आजार किससे होती है, तो पता होना चाहिए, जैसे डेंगू है किससे होता है, या फिर अगर कोई पूछे कि जो फंगस की बीमारियां हैं वो कौन कौन सी है, मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे टीबी है, कोई पूछे कि टीबी किससे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टीबी बैक्टीरिया से होता है, इस तरीके से। इसके बाद बात करें अगर कि स्टेट और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जैसे कि नागालैंड है, मध्य प्रदेश है, या फिर आपके जो और स्टेट्स हैं उनमें किस तरीके का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, किस तरीके की शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नागालैंड है, झूम होता है, इस तरीके से आपको मेन मेन पता होना चाहिए। इसके बाद के जो ये टॉपिक्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा।